सोलन में सरकार और संगठन में एक बार फिर से तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर भाजपा जिला अध्यक्ष केएल ठाकुर सत्ता में होते हुए भी मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के साथ राफेल मामले में कांग्रेस को घेरते दिखे, वहीं सोलन जिला के मंत्री और कुछ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से अनभिज्ञ दिखे। हालांकि इस बात पर सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैदल पर्दा डालते दिखे। राफेल मामले पर जिला भाजपा अध्यक्ष केएल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राफेल मामले में प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना चाहती है और वे अब अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है जो बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता लामबंद होकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वे अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। आज सोलन में जिला सोलन का जो धरना प्रदर्शन था ये राफेल से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस और उसके कुछ और जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है वो काफ़ी शोर मचाते थे राफेल के बारे में। हद तो तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी और उसके सहयोगियों ने यहाँ तक कह दिया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छुपाए गए हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और मोदी जी के बारे में हर कुछ बोला, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द जो बोले गए हैं ये राहुल को शोभन देते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया गया है, मोदी जी का पूरे देश का अपमान है। तो इसलिए जो ये सब हुआ है तो इसके लिए आज ये धरना प्रदर्शन था, पूरे जिला लेवल का था। इसके लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इस मुद्दे पर जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल से जब पूछा गया तो उन्होंने पर्दा डालते हुए कहा कि संगठन और सरकार में तालमेल है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वे बखूबी निभा रहे हैं और जो जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष को सौंपी गई है वे भी निभा रहे हैं। ऐसा है कि कुछ कुछ काम जो है वो सभी के जिम्मे रहते हैं, सरकार में भी संगठन के भी में भी, और हमारे जिम्मे जो है आज का काम जो यहाँ हमने किया वो था। और संगठन जैसे हमारे प्रदेश के सचिव रतनपाल जी वो वहाँ थे उस कार्यक्रम में, तो ऐसा कोई सरकार और संगठन के बीच में जो है वो किसी प्रकार का ना तो कोई गतिरोध है और ना ही कोई जो है वो डिफरेंस है।